हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। देखिए, पिछले व्लॉग में मैंने आपको जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से 6 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाए थे। आज उसी कड़ी में मैं आपको ले चलती हूँ आगे के 6 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाने। तो चलिए, तैयार है ना आप? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ निकल पड़िए वर्चुअल यात्रा पर। चलिए, आज मैं आपको बता रही हूँ सर्वप्रथम श्री भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमाशंकर भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिवपुराण में यह कथा वर्णित है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को नहीं देखा था। होश संभालने से पहले ही भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब उसकी माता ने उसे वो सारी बातें बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत संतप्त और क्रुद्ध हो गया। वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध के उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण किया, इंद्र पर आक्रमण किया और सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। देवलोक पर जब भीम का अधिकार हो गया, इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त कर दिया। श्री हरि को पराजित करने के बाद उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण कर उनके मंत्रियों अनुचरों सहित उनको बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचारों से वेदों पुराणों शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ दान तप स्वाध्याय के सारे काम रुक गए। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना और अन्य प्राणियों का दुख कहा। यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं रह गया। भगवान शिव का यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि अपने अपने स्थान को लौट गए। इधर राक्षस भीम बंदी गृह में पड़े हुए राजा सदक्षिण को भगवान शिव का ध्यान आया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उनको ऐसा करते देख क्रोध से उन्मत्त होकर राक्षस भीम ने उनकी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, लेकिन उसकी तलवार का स्पर्श भी उस लिंग को नहीं हो पाया, क्योंकि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपने हुंकार मात्र से ही उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। सभी भगवान शिव की स्तुति करने लगे और उसके बाद प्रार्थना करने लगे कि वह यहीं पर रहें। भगवान शिव ने सबकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ है। शिव महापुराण में यह कथा बहुत विस्तार से दी गई है। कहते हैं कि इस कथा का पारण करने से और यहाँ शिवलिंग के दर्शन करने के से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। महादेव सबका भला करे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है श्री काशी विश्वनाथ। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता है। भगवान अपनी वास भूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं।
सृष्टि काल आने पर इसे पुनः उसके स्थान पर रख देते हैं। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्याग करता है ना, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उनके कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं और इस मंत्र का प्रभाव पापी से भी पापी प्राणी को तार देता है और भवसागर की सभी बाधाओं से पार लगा देता है। इस परम पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इसी खंड में स्थित है। भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत पर ही रह रहे थे, लेकिन वहां अपने पिता के घर में वैवाहिक जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा। यह बात उन्होंने भगवान शंकर से कही कि आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ मुझे रहना अच्छा नहीं लगता। भगवान शिव ने उनकी बात को स्वीकार किया और वह माता पार्वती को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए और यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से ही मनुष्य के समस्त पापों तापों को छुटकारा मिल जाता है। प्रतिदिन नियम से श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों के योग क्षेम का समस्त भार भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं और ऐसे भक्तों पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में है। यह यहां के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। इन्हीं पुण्योताया गोदावरी के उद्गम स्थान के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है। गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना के अनुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर के नाम से यह विख्यात हुए। मंदिर के अंदर छोटे से गड्ढे में तीन छोटे छोटे लिंग हैं, ब्रह्म, विष्णु और शिव। इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए बहुत चौड़ी चौड़ी सात सीढ़ियां बनी हुई हैं। इनको चढ़ने के बाद रामकुंड, लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गौमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन किए जा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव विराजित हैं और इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना है। इसकी स्थापत्य कला बहुत अद्भुत है। इस मंदिर के पंचकोशी में कालसर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली की पूजा संपन्न होती है, जिन्हें भक्तजन अलग अलग मुराद पूरी होने के लिए कराते हैं। इसका पुनः निर्माण तीसवें पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ और 31 साल के लंबे समय बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ। कहते हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीबन 16 लाख रुपए खर्च किए गए, जो उस समय बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। गांव के अंदर कुछ दूर पैदल चलने पर ही आपको मंदिर का मुख्य द्वार नजर आने लगता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना मानी जाती है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग की केवल आधा दिखाई देती है, लिंग नहीं। गौर से देखने पर आधा के अंदर एक एक इंच के तीन लिंग दिखाई देते हैं। इन तीनों लिंगों को त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है।
सुबह भोर के समय होने वाली पूजा के बाद इस पर चांदी के पंचमुखी मुकुट को चढ़ा दिया जाता है। चलिए चलते हैं और ले चलते हैं आपको बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाने। देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के नौवें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। देवघर स्थित बैजनाथ धाम भगवान भोलेनाथ का एकमात्र मंदिर है जहां पर शिव और शक्ति की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि यहाँ पर ही माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ के रूप में भी मान्यता मिली हुई है। यह एक ऐसा मंदिर है जिसका जुड़ाव लंकापति दशानंद रावण से भी है। रावण से जुड़ाव के कारण बैद्यनाथ धाम स्थित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक के बाद एक अपने सरों की बलि चढ़ाना शुरू किया। जैसे ही भगवान शिव के शिवलिंग पर नौवां सिर काटकर चढ़ाया दसवां चढ़ाने वाले थे, वैसे ही भोले बाबा प्रकट हुए। भगवान ने प्रसन्न होकर दशानन को वरदान मांगने को कहा। इसके बाद वरदान के रूप में रावण भगवान शिव को लंका चलने के लिए कहते हैं। उनके शिवलिंग को लंका में ले जाकर स्थापित करने का वरदान मांगते हैं। भगवान रावण को वरदान देते हुए कहते हैं कि जिस भी स्थान पर शिवलिंग को तुम रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। यह देखकर सभी देवता सत्ते में आ गए। उन्होंने माँ गंगा को रावण के शरीर में प्रवेश करने के लिए कहा, जिस कारण उन्हें रास्ते में जोर से लघु शंका लगी। इसी बीच भगवान विष्णु वहां एक चरवाहे के रूप में प्रकट हुए। जोर की लघु शंका के कारण रावण धरती पर उतर आए और चरवाहे के रूप में खड़े भगवान विष्णु के हाथ में शिवलिंग देकर यह कहते हैं कि इसे उठाए रखना जब तक कि मैं नहीं लौट कर आता। इधर माँ गंगा के शरीर में प्रवेश होने के कारण लंबे समय तक रावण लघु शंका करता रहा। इसी बीच चरवाहे के रूप में मौजूद बच्चा भोलेनाथ की शिवलिंग का भार नहीं सहन कर पाया और उसे जमीन पर रख दिया। इसके बाद जब रावण अपने हाथ धोने के लिए पानी खोजने लगा तो उसे कहीं जल नहीं मिला, तो उसने अपने अंगूठे से धरती के एक भाग को दबाकर पानी निकाल दिया, जिसे शिव गंगा के रूप में जाना जाता है। हाथ धोने के बाद रावण धरती पर रखे गए शिवलिंग को उखाड़कर अपने साथ लंका ले जाने की भरसक कोशिश करता रहा, लेकिन वह असमर्थ हो गया। इसके बाद आवेश में आकर वह शिवलिंग को धरती में दबा देता है, जिस कारण बैद्यनाथ धाम स्थित भगवान शिव की स्थापित शिवलिंग का छोटा सा भाग ही धरती के ऊपर दिखता है और इसे रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना जाता है। सावन के महीने में यहाँ पर श्रावणी मेला लगता है और जो लोग कांवर उठाकर यहाँ लाते हैं कहते हैं कि उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भारत में जिस तरह काशी का महत्व उत्तर भारत में है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में रामेश्वरम का बहुत अधिक महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों तरफ से घिरा हुआ एक शंख के आकार का द्वीप है। मैं आपको रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बता रही हूँ। हम सब जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक स्थलों को देखा जा सकता है और ऐतिहासिक स्थलों के साथ साथ धार्मिक स्थलों को भी देखा जा सकता है, जिनका अपना अलग अलग महत्व है। यहाँ पर बहुत पुराने, कई हजार साल पुराने मंदिर स्थापित किए गए हैं। इसी क्रम में जो मंदिर है वो है रामेश्वर। रामेश्वरम मंदिर हिंदू मंदिर है जिसे भगवान शिव के सम्मान में बनाया गया था। ये मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है।
इसे एक पवित्र स्थल और चार धामों में से एक धाम माना जाता है। इस मंदिर को स्थानीय भाषा में रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि लंका विजय की कामना से लंका जाने से पहले भगवान शिव की पूजा भगवान राम करना चाहते थे, तब उन्होंने इस जगह पर महादेव के शिवलिंग की स्थापना की और इसकी पूजा अर्चना की। भगवान राम के नाम से ही इस जगह का नाम रामेश्वरम द्वीप और मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा। पुराणों की माने तो रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम शिव की पूजा करना चाहते थे, लेकिन तब इस द्वीप पर कोई मंदिर नहीं था, इसीलिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत से भगवान शिव का शिवलिंग लाने को कहा गया। जब हनुमान जी समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंचे, तब माता सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में उठाकर शिवलिंग का निर्माण किया और इसी शिवलिंग की भगवान राम ने पूजा की। हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी यहीं स्थापित कर दिया गया। यह मंदिर लगभग 100 फुट लंबा, 650 फुट चौड़ा है और इस मंदिर में 40 फुट ऊंचे दो पत्थर इतनी बराबरी के साथ लगाए गए हैं कि इनको देखकर बहुत आश्चर्य होता है। कहते हैं कि रामेश्वर मंदिर में के जो निर्माण हुआ उसमें लगाए हुए पत्थर श्रीलंका से नाव के जरिए यहां लाए गए। रामेश्वर मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर से दक्षिण में 197 मीटर और पूर्व से पश्चिम में 133 मीटर लंबा है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 9 मीटर है और इसका प्रवेश द्वार 38.4 मीटर ऊंचा है। कहते हैं कि यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। अगर किंवदंतियों की माने तो इस मंदिर के अंदर जो कुएं हैं उन सभी कुओं को भगवान राम ने अपने बाणों से बनाया था। ऐसा माना जाता है कि इसमें कई तीर्थों का जल ला कर के मिलाया गया है। भगवान राम ने ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए यहां पर शिवलिंग की स्थापना की और उसकी पूजा की थी, इसीलिए यह माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से आपको ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। शिव का 12वां रुद्र अवतार है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि घुश्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। घुश्मा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए अवतरित प्रभु शिव ही घुश्मेश्वर या घुमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं और इनका स्थान द्वादश ज्योतिर्लिंगों में आता है। शिव का 12वां अवतार घुश्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग लिंग जो है वह अजंता अलोरा की गुफाओं के देवगिरी के समीप तड़ाग में अवस्थित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अपने भक्तों के कल्याण के लिए पूरी धरती पर जगह जगह भ्रमण करते हैं। अपने भक्तों की उपासना से अभिभोर होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देते हैं और अपने भक्तों के अनुरोध पर अपने अंश रूपी शिवलिंग को वहां पर सदा के लिए विराजित कर देते हैं। शिवलिंग के रूप में भगवान शिव जिन जिन स्थानों पर विराजमान हुए उन्हें आज प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के रूप में महत्व दिया जाता है। वैसे तो धरती पर असंख्य शिवलिंग स्थापित हैं, लेकिन इनमें से 12 शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग का विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर बेरलुट गांव के पास स्थित है। शिव महापुराण में भी इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। इसके समीप ही एक सरोवर भी है जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो भी सरोवर का दर्शन करता है उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। सुधर्मा और सुदेहा दोनों पति पत्नी थे, ब्राह्मण थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हो रही थी। इस पर सुदेहा ने अपने पति से कहा कि वह उसकी बहन से विवाह कर ले। पति नहीं माना, लेकिन पत्नी की हट के आगे वह हार गया। उसने उसकी छोटी बहन घुश्मा से विवाह कर लिया। घुश्मा शिव की परम भक्ति, शिव की रोज पूजा अर्चना किया करती थी और पूजा के बाद उनके शिवलिंग को तालाब में फेंक दिया करती थी। भगवान की असीम कृपा हुई
और घुष्मा को पुत्र प्राप्ति हुई। घर का माहौल खुशनुमा हो गया। सुदेहा ने अपनी बहन से अपने पति सुधर्मा का विवाह खुशी खुशी कराया था, लेकिन वह अब बहुत दुखी और ईर्षित रह रही थी। उसका पुत्र उसे एक आंख ना सुहाता था। इच्छा से वशीभूत होकर उसने उस पुत्र की हत्या कर दी। जब परिवार को पता चला तो पूरा जो माहौल है वो मातम में बदल गया। घुष्मा को शिव पर विश्वास था, इसीलिए वह बिना विलाप किए शिव की पूजा करती रही। पूजा करते हुए घुष्मा ने देखा कि उसका पुत्र सामने से आ रहा है। उसके कुछ क्षण बाद शिव भी वहां पर प्रकट हुए। वास्तव में वह वहां पर घुष्मा को दर्शन देने और उसकी बहन को दंड देने के लिए आए थे, लेकिन घुष्मा को देखकर उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। वहां पर उन्होंने घुष्मा की बात को माना और जो उसकी बहन है उसको दंड नहीं दिया और सदा सदा के लिए शिवलिंग के रूप में यहीं विराजित हो गए। दोस्तों, यह थी 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी जो मैंने आपके समक्ष रखी। होप कि आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। तब तक इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त मैं शिमला व्लॉगर दीपशिखा आपसे इजाजत चाहती हूँ। बाय बाय दोस्तों।